Hey guys and welcome back to my vlog. मैं हूँ अभिलाष और आज है मेरे साथ हेमंत और अमित भैया। सो हम लोग आ गए अभी JCI एक्सपो उत्सव जो कि मोरवादी मैदान में लगा है और अभी अंदर चलते हैं और अंदर का आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो टिकट है, यहाँ पे टिकट का प्राइस है 20 रुपीज़। सो यहाँ पे अभी टिकट यहाँ से लेते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं अंदर। हमें टिकट जिसका प्राइस 20 रुपीज़ है और ये पूरा बुकलेट टाइप का प्रोवाइड किया हमें। इसके अंदर देखते हैं क्या है। अच्छा, इसके अंदर बहुत सारे कूपन्स मिलते हैं आपको जो सारे स्पॉन्सर किए हैं यहाँ पे एक्सपो उत्सव में। या अंदर काउंटर भी है ना, अंदर काउंटर होगा ना इनका सारा। सो ऐसे आपको सारे कूपन्स मिलेंगे जिनका अंदर काउंटर है, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं और आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो बाकी अभी चलते हैं अंदर। सो भाई ये देखो JCI एक्सपो का एंट्री गेट और अभी चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे कराना पड़ता है टिकट चेक, उसके बाद फिर टिकट आपका थोड़ा फाड़ देंगे ये, फिर अंदर घुसो और अंदर में आप पूरा एंजॉय करो। तो भाई ये देखो अंदर से JCI एक्सपो उत्सव का माहौल। और अभी अंदर चलते हैं और भी, और आपको दिखाते हैं अंदर में क्या क्या है, काउंटर्स वगैरह क्या क्या है। सो ये देखो हम लोग एक उसके अंदर घुसे हैं और उसके अंदर ना सारा यहाँ पे जितने बिजनेस मैन लोग हैं ना, मतलब रांची के बिजनेस ओनर्स लोग, वो सारा अपना स्टॉल यहाँ पे लगाए हुए हैं। जैसे कुछ यहाँ पे जैसे वाओ डिटेलिंग स्टूडियो का वहाँ पे था, यहाँ पे राकेश आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, स्मार्ट होम एनर्जी सॉल्यूशन है, पुष्पांजलि होम सर्विस। तो ऐसे ही बिजनेस ओनर्स लोग अपना ना बिजनेस शोकेस कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ना हमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखा, मतलब इंस्टेंट कैमरा, मतलब आप फोटो प्रिंट कर सकते हो इंस्टेंट एक कैमरा से, इस टाइप की फ़ोटोज़ आप प्रिंट कर सकते हो इंस्टेंट कैमरा से। तो इस कैमरे का दाम अराउंड 4,000-4,500 है। बाकी बहुत सारे वैरायटीज़ के यहाँ पे कैमरा मिल रहे हैं। सो भाई अभी हम लोग आ गए दूसरे डॉक में और दूसरे डॉक का सीन ये है और यहाँ पे हमें बहुत अच्छा ही डेकोरेटिव आइटम मिला है होम डेकोरेशन के लिए। और ये होम डेकोरेशन के लिए बहुत सही लगा मेरे को, यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे होम डेकोरेशन के। और वो देखो बुद्धा जो है ना, वो बहुत सही है। तो यहाँ पे तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है बोल रहे थे, बट फिर भी चलता है उतना। और यहाँ पे ना एक बॉलीवुड सूट फ्रॉम चंडीगढ़ मेरे को दिखा है और यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ है बिकॉज 999 में ये लोग सूट प्रोवाइड कर रहे हैं पूरा। सो आप भी अगर आई जो लेडीज़ व्यूअर है वो आके यहाँ पे सूट पीस चेक कर सकते हैं। अच्छा चल रहा है चंडीगढ़ से, ये पूछ रहे थे लोग। भाई अभी हम लोग ना क्रॉस कर रहे थे यहाँ से, सो हमें दिखा प्रतीक्स कोकोआ लिंक और ये जमशेदपुर का स्टार्टअप है। इन वेराइटीज़ ऑफ यहाँ पे ना होममेड चॉकलेट्स यहाँ पे मिलता है। सो अभी प्रतीक भैया ने हमें सजेस्ट किया पान फ्लेवर चॉकलेट, सो इसको खाते हैं हम, उसके बाद फिर बताते हैं आपको कैसा है। पैकेजिंग काफ़ी अच्छा है स्टार्टअप भैया, उसके अंदर क्या है वो भी एकदम जनरल बड़ा ही यूनिक मेरे को ना लग रहा है बिकॉज आज से पहले ना कभी पान फ्लेवर और चॉकलेट कभी नहीं खाया। इसमें जो सच में जो पान का जो फ्लेवर आता है ना, जब मीठा पान खाओ ना तो उसमें जो क्या डालते हैं मीठा पान में एक रहता है ना टाइप का, नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, बट पूरा कंप्लीट पान फ्लेवर आ रहा है, बहुत अच्छा है। अगर आप आ रहे हो यहाँ पे तो प्रतीक्स कोकोआ लेन में आप आके जरूर ट्राई करना चाहते। देखो आप यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स का आपको मिलेगा, जैसे डार्क चॉक कॉफ़ी हो गया, रेगुलर कॉफ़ी हो गया, पान फ्लेवर जो हमने अभी ट्राई किया भैया प्रतीक मैंने, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।
मतलब इससे पहले ना कभी ट्राई नहीं किया ऐसा फ्लेवर चॉकलेट था, टॉप ऑफ द नॉच था, मतलब एकदम टॉप ऑफ द नॉच। तो अपने सारे दोस्तों को बता रहे हो? जरूर। नहीं बता रहे तो पाप चढ़ेगा, मैं बता रहा हूँ। गाइस एक एक्सपीरियंस है जो पूरे देश में ला रहे हैं 200 फ्लेवर के साथ। हमारा विजन ये है ना कि आपको 10 भी खाने का मन किया 5 भी कोकोलिन को ऑर्डर करो, 2 दिन के अंदर रांची में और 5 दिन के अंदर पूरे इंडिया में हम डिलीवर करते हैं। मतलब आप फ्रॉम जमशेदपुर टू स्टार्टिंग गोवा से हुआ था। okay. पहला शोरूम जमशेदपुर में है। okay. रांची में बहुत जल्दी आ रहा है अगले साल राखी के टाइम पे, और पूरे इंडिया में आ चुका होगा हमारा ऐप और वेबसाइट। सो यू आर शिपिंग ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया। सो हाउ कैन लाइक एनीवन ऑर्डर फ्रॉम यू? जस्ट कोकोलिन, प्रतीक कोकोलिन का इंस्टा पेज या हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, गूगल पे कोकोलिन टाइप करेंगे, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच। इतने अफोर्डेबल रेट्स में आपको यहाँ पे फ्लेवर्ड चॉकलेट मिलेंगे ना, पूछो मत। जैसे ये 24 रुपीज़ में बहुत सारे फ्लेवर्स है, और यहाँ पे ना पैकेजिंग का भी आपको फैसिलिटी मिलेगा, कस्टमाइजेबल पैकेजिंग आपको कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक आप ऐसे गिफ्ट हैम्पर्स आप पैक करके किसी को भी गिफ्ट अगर देना हो सो वैसे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टार्टअप फ्रॉम झारखंड। ये किसी राज्य में कभी नहीं बदलेगा, नेवर। उसका एक्सपीरियंस 50-60 में हो जाएगा, गिफ्टिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा, एंड उसके लिए 500 की जरूरत नहीं है। तो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टू एनी ऑफ चॉकलेट्स ओके ऑफ योर समर स्पेशल मम्मी सिस्टर गर्लफ्रेंड, यू डोंट नीड अ 500 रुपीस बजट, इट्स कंप्लीटली बजट फ्रेंड। हमने झेला है वो इंडिया को नहीं देना। आप 3-2 चॉकलेट हो ना, इजोली के डब्बे भर के देने हैं, आप कुरियर करके हमसे 10 चॉकलेट गिफ्टिंग मंगाओ, आपको ऐसा नहीं कि 2 के हैम्पर मंगाना है। हम आपको 8 चॉकलेट तक भी कुरियर करते हैं, रांची का डिलीवरी चार्ज 40-50 रुपीज़ है। ओके, तो एकदम झिझक नहीं होना चाहिए कि हमारा बिलिंग अमाउंट 2000 चला जाए। राइट, 300-350 में काम हो सकता, काम हो जाएगा। हमें क्या फ़ायदा है कि हमें नंबर्स बहुत बड़े मिलते हैं, हर स्टूडेंट बैंक में ऑर्डर करता है, टीचर्स में ऑर्डर करता है, बिना झिझक के आप ऑर्डर करोगे, तो दैट्स द ओनली विजन वी हैव। सो अगर बड़ा ऑर्डर हुआ तो इसमें आप यहाँ पे इसमें भी पैक करके दे सकते हैं ना? हाँ, so इसका डब्बे में देते हैं, जैसे डब्बे का प्राइस है 50-60 रुपए। ओके, अब आपने डब्बा लिया 50 का, इसमें चॉकलेट आप 8-10 जितना डालें डाल सकते हैं, यहाँ पर तैयार। ओके, ने तो ले लिया यहाँ से अपना चॉकलेट, एंड वी आर वेरी प्राउड टू से कि ये झारखंड का स्टार्टअप है, और आप भी आओ, आप भी यहाँ से परचेज करो चॉकलेट्स ना। आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, ऐसे होम डेकोर के आपको लाइटिंग्स वगैरह मिल जाएंगे, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज वगैरह मिल जाएंगे, और यहाँ पे राम लड्डू वो सब जो होता है ना, डाइजेस्टिव्स वगैरह वो सब भी है, और यहाँ पे आपका लेडीज़ के लिए हेयर लाइक हेयर क्लचर्स एंड ऑल, बैंड्स एंड ऑल, और वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिरर्स घर को डेकोरेट करने के लिए एंड ऑल, बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे वैराइटीज़ ऑफ, आपको स्टॉल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। भाई देखो ये क्या मस्त लग रहा है ना, मार्बल का पूरा यहाँ पे डिज़ाइन बनाया हुआ है, लायंस वगैरह एंड हॉर्सेज एंड ऑल, फिर गणपति जी है, बहुत सारे यहाँ पे आपको डेकोरेटिव आइटम मिल जाएंगे। अगर आप आते हो ना यहाँ पे, सच में आप कुछ ना कुछ ना परचेज करके यहाँ से बिना लिए तो आप जा ही नहीं सकते हो यहाँ से, इतने सारे वेराइटीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। और ये देखो भाई हमें क्या मिला, थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ मिला है हमें, गेम टॉयज़, गेम शो, मैजिक ट्रिक, मैजिक के ट्रिक है वो तुम्हारे मतलब कम है। भाई अभी हम लोग यहाँ से निकले हैं, और यहाँ पे देखिए बाहर कुछ ऐसा है, हम लोग घुसे थे उस तरफ से और इस तरफ से निकले हैं अभी, और यहाँ पे ना आपका आगे चलते हैं दिखाते हैं यहाँ पे क्या क्या है। अच्छा, यहाँ पे ना आपका राइड्स वगैरह लगा हुआ है, सब बच्चे अगर आते हैं ना तो यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय करेंगे राइड्स वगैरह। ऑल दो अभी यहाँ पे स्टार्ट हुए नहीं है, ये बुल फाइट, अगर ये वाला अभी स्टार्ट रहता ना अभी ये करते मज़ा आता बुल वाला। अगर आप बच्चे लोग के लेके आ रहे हो ना तो यहाँ पे आर्चरी वगैरह भी है, और यहाँ पे
ये गन शूट वगैरह भी है और ये तो राइट सही करते हैं। तो यहाँ पे ना आप आके आर्चरी भी ट्राई कर सकते हो। आर्चरी का क्या रेट है भैया? आर्चरी का क्या रेट है? इसका आर्चरी में आपका 100 में आपको 5 ट्रायल मिलेगा और बाकी यहाँ पे पेंट बॉल है जिसका आपको 100 रुपये में आपको 10 ट्रायल मिलेगा। लाइट वेट है? बहुत लाइट है। अच्छा, ये तो काफ़ी लाइट वेट है। सो भाई, अमित भैया आज यहाँ पे आर्चरी का पहले ट्रायल कर रहे हैं। वाह, सही है, नाइस शॉट। ये मस्त था। अभी बस एक और थोड़ा बीच में चल जाए। अभी हम ट्राई करने जा रहे हैं बुल फाइट और बुल में बैठेंगे, बुल घूमेगा और देखते हैं कितना देर तक हम सस्टेन कर पाते हैं। ठीक है, सुनो, आगे होके बैठना, आगे होके, हाँ, कीप योर वेट फॉरवर्ड। तो भाई अभी ना मैंने ना ये बुल वाला किया और ना बहुत तेज़ कर रहे थे वो लोग। अगर आप सस्टेन कर रहे हो ना, वो लोग देखेंगे ना कि हाँ आप टिक जा रहे हो, तो वो लोग ना स्पीड बढ़ा देंगे और आपको ऐसे वैसे जानबूझ करेंगे ताकि आप जल्दी गिर जाओ। पैर का थोड़ा वॉट लग गया क्योंकि बहुत टाइट पकड़ के ना उसे बैठना पड़ता है सो दैट आप गिर ना पाओ उसमें से। कि यहाँ पे ये भी है, आप इसके अंदर घुस जाओ और मस्त अपना रोलिंग वोलिंग करते रहो। इसका भी प्राइस 100 रुपये है। बुल वाला भी जो किया था ना मैंने, उसका भी प्राइस 100 रुपये लिया था। यहाँ पे बंजी जंपिंग भी है, इसका भी प्राइस, इसका प्राइस 200 रुपये है और क्रिकेट का भी 200 रुपये होगा ना। और उस तरफ ना क्रिकेट वाला चल रहा है, ये आपको इस मशीन के थ्रू ना बॉल थ्रो किया जाएगा और आपको बैटिंग करना है। इसका भी प्राइस आपका 200 रुपये है यहाँ पे। बाकी राइड्स वगैरह एंजॉय करने के बाद ना हम लोग अभी यहाँ पे दूसरे कैप्सूल या दूसरे एरिया में आए हैं और यहाँ पे आपका मोस्टली क्लोथ्स वगैरह है, अपैरल वगैरह है सारे। बाकी अभी ना यहाँ पे मर्सिडीज़ का है, सो मर्सिडीज़ में एक बार देखते हैं बैठ के, मर्सिडीज़ ई क्लास में कैसा है इसका आपका फील है। ये है मर्सिडीज़ C220। सो भाई अभी थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं मर्सिडीज़ का। नॉर्मल गाड़ी तो आपको बहुत दिखाया है, मर्सिडीज़ C220 भाई इसका स्क्रीन देख लो यार, क्या सही है। और ये जो मर्सिडीज़ का लोगो है ना, और यहाँ पे स्टेयरिंग माउंट कंट्रोल्स और इसका यहाँ पे पावर विंडो, ये काफ़ी सेक्सी लग रहा है यार यहाँ पे। मतलब इसका लॉक जो है ना ये ओपन करने का, बहुत सेक्सी गाड़ी है यार। इसका जो सीट लेदर टच एंड ऑल है ना, बहुत सही है। मतलब इसका फील जो है ना, क्या बोल रहे हैं अमित भैया, क्या है, एक नंबर कार नहीं, हाँ कार है ना, हाँ कार है। ये रूफ टॉप, सनरूफ यार,
सही यार, एक एक सेटिंग इसका जो लग्जरी फील आ रहा है ना, लुक्स लाइक अ लिविंग रूम, बहुत सही लग रहा है। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम देख रहे हैं? नहीं, हो गया ऑन वैसे। ये इसका बॉटल होल्डर्स एंड ऑल सेक्शन है, ये भी मस्त क्लासी है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक, ये बंद हो गया ऐसे बट खुलेगा ऑटोमेटिक। सही गाड़ी है यार, लेकिन मस्त दिल आ गया है, लेकिन इस पे बहुत सही गाड़ी है। कोई नहीं, नेक्स्ट ट्राई होगा। मर्सिडीज फार प्लान कीजिए, मर्सिडीज फार बेटर देन जगुआर। जगुआर मर्सिडीज का एक्चुअली जो है ना, मतलब वो जो लुक ग्रैंड एंड ग्रैंड एवरीथिंग इज वेरी गुड। लेट्स सी, लेट्स होप वी गेट इट सून। ये था मर्सिडीज, सही गाड़ी है यार। सो भाई अभी देखो BMW X3 का आपको फील थोड़ा सा दिखाते हैं, क्या सही है यार BMW X3 भी। ये भी ऑटोमेटिक है एंड इसका भी ना, ये आपका स्टोरेज एंड ये जो आपका पूरा कंप्लीट इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना, बहुत सही है। मानना पड़ेगा, लेकिन जो भी बोलो मर्सिडीज़ का लुक एंड फील कम्प्लीटली अलग है देन कंपेयर टू आपका BMW। सो ये थोड़ा नॉर्मल टाइप का लग रहा है, बट BMW का जो मर्सिडीज़ का जो लुक था ना, वो बहुत सही लग रहा था। अभी ट्राई कर रहे हैं BMW 6 GT। इसका ये चीज़ बहुत बेस्ट है, ये जो फ्रेमलेस है ना, बट मेरे को ना BMW से ज़्यादा अच्छा आपका मर्सिडीज़ का आपका लुक फील, जो वो जो मतलब लग्जरी जो लग रहा था ना, वो आपका इट वॉज मोर एलिगेंट। उसका जो AC वेंट वगैरह था, उसका शेप वगैरह, और यहाँ पे स्टीयरिंग का जो मतलब लुक एंड फील माउंट, हाँ ये मतलब बहुत ज़्यादा नॉर्मल टाइप का लग रहा है आपका, जो मतलब आपका नॉर्मल कार में आपका चाहता है ना, जैसे मारुति हो गया, नॉब उतना वैसा नहीं था, और मतलब वो जो उसका पूरा फिनिश ही अलग था पूरा। ऑल्दो प्राइस मर्सिडीज से ज़्यादा है ना इसका BMW का, ये दोनों तो सिमिलर ही है यहाँ से। ना कुछ कल्चरल इवेंट हो रहा है, साउंड बहुत ज़्यादा है इसलिए उधर जा नहीं रहे हैं। अच्छा, ये फैशन शो हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, नहीं और कुछ मिस नहीं हो रहा है। तो फाइनली अब निकलते हैं यहाँ से एक्सपो उत्सव से, और ब्लॉग भी ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, ब्लॉग भी अब एंड करने का टाइम आ गया है। भैया कैसा लगा आपको? बहुत मज़ा आया, थैंक यू अभिलाष फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप पहली बार मेरे चैनल पे आए एंड ऐसे ही आप भी आते रहिएगा। और हेमंत कैसा लगा आपको? नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो अच्छा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। सो चैनल पे नहीं हो चैनल सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय।